आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद बैंक में अपना मोबाइल नंबर चेंज अपडेट या रजिस्टर्ड कैसे करते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो पहले एक ही माध्यम था कि ब्रांच पे जाके होता था, बट आप अपने घर बैठे ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपके पास मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट होना चाहिए इलाहाबाद बैंक का, उसके बाद एक्टिवेट है तो ठीक है, नहीं हुए तो जैसे वीडियो ख़त्म होगा लास्ट में वीडियो दिखेगा 20 सेकंड पहले, उस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर लीजिएगा। एक्टिवेट करने के बाद आप ओपन कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका एम पिन है वो आपको डाल के लॉगिन होना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फैमिली का है इसके लिए, और थोड़ा बैलेंस भी कम है, बट मैं बैलेंस इसलिए कम रखता हूँ, मैं बैंक से रिलेटिव वीडियो बनाता हूँ इसलिए बैलेंस कम है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, आपको यहाँ पे किस पर क्लिक करना है। जिसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एड्रेस दिखाएगा, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और नाम दिखाएगा, और यहाँ पर देखिए मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है, लास्ट में 58 है। तो उसके जो भी आपका रहेगा उसके सामने वाले पर क्लिक कीजिएगा जो पेंसिल के निशान है, और उसके बाद आपका जो भी नया वाला मोबाइल नंबर है आपको डालना है, नंबर में वही नया वाला ही नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है अपना कार्ड, आपका एटीएम कार्ड यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद जो भी आपका एटीएम कार्ड का पिन है वो डालना है, डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन डालना है, मतलब टी पिन, तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन पिन होगा वो आपको डाल के कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद जो ओल्ड वाला मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो आपको डालना है। जैसे कि एंटर OTP, देखिए मेरा OTP आ गया, मैं इसमें फिल कर देता हूँ तो आपका भी आएगा, ओल्ड वाले पे आएगा, उसके बाद नए वाले पे। देखिए वहाँ पे ओल्ड वाला पहले 58 था, और उसके बाद जब OTP डाल देंगे पुराने वाले पे OTP आएगा ना, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा तो अब नए वाले पे मेरा OTP आएगा। तो यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर, यहाँ पे OTP नए वाले पे भेजेगा, तो मेरा नए वाला जो भी OTP आएगा मैं इसमें फिल करके सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए नए वाला पे भी आ गया है, तो मतलब पुराने वाला पे भी आएगा और नए वाला पे भी OTP आएगा, तभी ये आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो पाएगा। उसके बाद नए वाला का OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट हो गया, देखिए हमारा ये 24 घंटे के अंदर ये मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि मैं पहले 2-3 बार ट्राई करता हूं कि कितने देर में होता है, बट कभी 22 घंटे में हुआ था और एक 23 घंटे में, मतलब 2 बार मैं ट्राई किया था, ठीक है। तो आप लोग 24 घंटे तक वेट कीजिएगा, 24 घंटे के अंदर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। आपको ऊपर पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है ऐप पर, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐसे मांगेगा, ठीक है। तो बट ये अब आपको काम मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं हो पाएगा 24 घंटे तक, जब तक आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट कम्प्लीट हो, मतलब सक्सेसफुल हो गया है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया। तो जो मोबाइल नंबर नया वाला रखे रहेंगे, ठीक है, वो आपको अपना नया वाला नंबर डालिएगा, अकाउंट नंबर, ATM कार्ड का 6 लास्ट डिजिट नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल के और सबमिट कर दीजिएगा। फिर से MPIN और TPIN बना लीजिएगा, ठीक है। बट आप 24 घंटे तक मोबाइल बैंकिंग मत कीजिएगा, ठीक है। जब वो 24 घंटे के बाद एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नया वाला ही मोबाइल नंबर डालिएगा फिर से एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल बैंकिंग। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई मन में शंका होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।